जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का बाजार देख लेते हैं। सभी जिन्सों का कैसा रहा है, कौन सी क्वालिटी क्या भाव बिकी और कितनी आवक किस जिन्स की देखने को मिली है। तो मंडी तो अभी तक वीरान हो चुकी है क्योंकि आवक बहुत सीमित मात्रा में थी। अब देख सकते हैं कुछ भी नहीं है मंडी में, सब खाली पड़ा है क्योंकि सीमित मात्रा में आवकें थी। जिन जिन जिन्सों की आवकें थी और जो जो भाव पर बिकी वो चीज़, वो भाव हमने आपको बताने का प्रयास किया है क्योंकि आज बढ़िया माल इतने थे नहीं, तो रंगत उसकी लिखी है, बाकी सीमित मात्रा में ही आवक देखने को मिल रही है। जिस क्वालिटी में जो भाव बिका है उसी का भाव हमने बताने का आपको प्रयास किया है। देखते हैं पूरा वीडियो। लहसुन के बाजार की बात करें तो 1300 बोरी के आसपास आवक बन गई थी और 10,800 रुपये एक लोट ऊटी लहसुन का बिका है। ऊपर में एक लोट बिका है, बाकी बाजार ऐसा नहीं है, स्पेशल लोट था जो बिका है। स्पेशल माल के बाजार तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी भाव बिक सकता है। इसके अलावा प्याज ऊपर में 2600 रुपये तक देखने को मिला है। प्याज के अलावा बात किया जाए अन्य जिन्सों में भी कैसी तेजी मंदी है, तो विशेष तेजी मंदी तो आज नहीं है। एक जिन्स में विशेष रूप से तेजी मंदी मिली है, कलौंजी में और सोयाबीन में। कलौंजी के बाजार सीमित आवक में भी भारी मंदी की ओर दिख रहे हैं और सोयाबीन में बाजार भी भारी मंदा है। तो कुल मिलाकर सोयाबीन में भी गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है, उच्चतम बाजार से बाजार गिरता हुआ जा रहा है। सोयाबीन के अलावा इसबगोल के भी बाजारों में भी कोई दम नहीं है, मगर बाजार समान है, मगर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसबगोल के बाजारों में एक गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना लगती है हमें। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का बाजार सभी जिन्सों का क्वालिटी अनुसार। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक के साथ कमेंट्स भी करें। इस वजह से हमने डिसलाइक किया क्योंकि हमें यह चीज़ अच्छी नहीं लगी है, पूरा कारण सहित बताएं ताकि उसमें सुधार की अपेक्षा रखी जा सके। और बने रहे सही विश्वसनीय अच्छी अपडेट पाने के लिए कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल के साथ। अश्वगंधा टुकड़ी वाली क्वालिटी है जो 32,400 बिकी, एक लोड 32,300 बिका, दो लोड थे इन किसान भाई के जो आज नीमच मंडी में माल लेकर आए थे और ये अश्वगंधा की क्वालिटी है। ये किसान भाई जिनका माल है, तो ये इन किसान भाई का माल है जो लेकर आए हैं अश्वगंधा आज नीमच मंडी में और सीमित आवक देखने को मिली। दोस्तों आज सीमित आवक देखने को मिली मंडियों में और देशी लहसुन बढ़िया क्वालिटी का माल तो नहीं था, ऊटी लहसुन आया था जो 10,800 रुपये ऊपर में बिका है। 1300 बोरी की आवक देखने को मिली और बाजार समान देखने को मिला। रियावन टाइप वाले माल नहीं थे, स्पेशल 7-500 वाली रेंज भी नहीं थी, फुल गोले माल भी नहीं थे। लड्डू फुल गोले मिक्स माल थे जो 6,500 से 7,000 रुपये बिके हैं और वाइट लड्डू जिसमें फुल गोला भी मिक्स था 5,800-6,300 रुपये के आसपास बिका है, 6,300 और कुछ लोट 6,400-6,500 तक। बाकी लड्डू माल 5,000 से 5,800। 1300 बोरी आवक बाजार समान, बढ़िया मालों की आवक नहीं थी, नदारद थी। 1300 बोरी की सीमित आवक देखने को मिली है। मीडियम टाइप जो पूना लड्डू टाइप थी, इस टाइप की लहसुन की आवक थी जो 4,500 से 5,000 बिकी। एक नंबर मीडियम 4,200 से 4,500 के बाजार, एवरेज मीडियम 3,500 से 4,000, एवरेज माल 2,500 से 3,000, छर्री बारीक माल 2,800 से 3,300। फूट माल नीचे में तो 1,000-1,500 कली वाली बिका है कली, बाकी 2,000 से 4,000। नीचे में 1,000 रुपये का भी एक लॉट बिका था, एक 1,500 बिका, एक 1,870 बिका है। तो नीचे की रेंज फूट मालों के कोई पक्के बाजार नहीं होते। ओवरऑल बाजार को समान समझा जाए, नहीं कोई तेजी मद्दी नहीं है। 10,800 रुपये ऊपर में बिका है एक लॉट ऊटी लहसुन का बिका है जो आज नीमच मंडी में आया था। बाकी कोई भी आवक जीटू लहसुन में, ऊटी लहसुन में देखने को नहीं मिली है, किसी प्रकार की रेंज की आवक नहीं थी, न तो 7,000 वाली, न 8,000 वाली, न 6,000 वाली, न 5,000 वाली, न 3-4,000 वाली। तो जीटू क्वालिटी, ऊटी क्वालिटी में ऐसी कोई विशेष आवक नहीं, एक अच्छा लॉट था, स्पेशल लॉट आया था जो 10,800 रुपये के दाम पर बिका है ऊँचे भाव पर ऊँटी लहसुन। कलौंजी ऊपर में 20,300 बिका, एक बढ़िया प्रीमियम माल जिसे कहते हैं अपन, 20,000 से 20,262 तक बिके हैं। मीडियम क्वालिटी 19,200 से 19,700, एवरेज क्वालिटी 18,000 से 18,700, नीचे में चालू माल 16,500 से 18,000 और 75 बोरी की मात्र आवक बाजार 300 रुपये नरम मद्दी देखने को मिली, 300 रुपये की मात्र 75 बोरी के अंतर भी। तो कुल मिला के कलौंजी में माहौल मद्दी का बना हुआ है, एक तरह से सभी जिन्सों में बाजारों में धड़ाम हो चुके हैं। इसबगोल ऊपर में 10,991 तक है, बाकी पैकेट माल की आवक नहीं थी, सेमी पैकेट माल की आवक भी नहीं थी। एवरेज माल थे जो 10,900 से 11,200 के बाजार, एवरेज फॉरेन माल और चालू माल 9,000 से 10,700-800 तक के बाजार है। कुल मिला के बाजार समान है, 25 बोरी की आवक है, कोई विशेष तेजी मद्दी नहीं, पैकेट माल की आवक नहीं थी जो 11,600-800 की रेंज है। बाकी इसबगोल में ध्यान मद्दी का नज़र आ रहा है आगे हमें।
इसके अलावा बात किया जाए धनिया में 5800 रुपये बिका ऊपर में, इसके अलावा कोई आवक नहीं थी, एक ही लोट था जो 5800 रुपये के दाम बिका है। बाजार समान है, 7-8 बोरी आवक कुल है और सिर्फ एक लोट था धनिया की, बाकी रंगत तो वही मानी जाए पुरानी, क्योंकि नई सिरे से कोई तेजी मद्दी है नहीं, कुछ तेजी मद्दी हो तो रंगत को चेंज करें। बाकी ग्रीन माल की रंगत 5861, ईगल माल की 5558 और बादामी की 5100 से 5400 की रंगत मानी जाए। बाजार समान, एक ही लोट आया था धनिया का, बाकी एक दो लोट थे जो नहीं बिके, बेचा ही नहीं, नीलामी के लिए आया ही नहीं, गाड़ी में ही माल था। धनिया मेथी ऊपर में तो कोई ऐसे लोट है नहीं, एवरेज माल 5600 से 5700 के बीच बिके, इस माल की आवक थी वो बढ़िया बारीक माल की आवक थी जो 5700 से 5750 बिके, और कोई ढेर 5721, 5719, 5733 ऐसे लाइन से ढेर बिके, 300 बोरी के आसपास आवक थी, लेवाली कुछ भी ठीक कह सकते हैं, 58 से 60 हज़ार मोटा माल और इससे ऊपर की कोई आवक रेंज की नहीं थी। गेहूँ एकदम सुपर क्वालिटी, कोई आवक नहीं है, 1825 से 2000 जैसी रेंज की आवक नहीं है, और लोकवान बढ़िया 1700 से 1825, एवरेज माल 1550 से 1680 इस माल की आवक थी, मिल बेस्ट 1530 से 1540, हल्के माल 1450 से 1500, 800 बोरी के आसपास आवक है। बाजार समान या चाल कुछ भी दम ऐसी विशेष नहीं है, समान टाइप ही कह सकते हैं, कोई विशेष तेजी मद्दी नहीं है, आवक सीमित थी, बंद जैसा माहौल था, फिर भी आवक आई थी, कुछ आवक आई थी, जो माल मंडी में आया वो जरूर बिका है। सोयाबीन में भारी मद्दी है दोस्तों, 4250 रुपये ऊपर में बिकी है, बीच वैसे टाइप के माल तो थे नहीं, 0% माल 4150 से 4200, मीडियम माल 4100 से 4150, एवरेज माल 3900 से 4000, नीचे में हल्की रेंज भी आ गई है 3200 से 3600, कुछ लोट थे अच्छे, 1000 बोरी आवक, बजा कम से कम 150 रुपये मद्दा, 150 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली है सोयाबीन में। सफ़ेद मक्का ऐसी कोई विशेष थी नहीं, 1308 पीली मक्का ऊपर में देखिए, सफ़ेद के माल 1200 से 1500, बढ़िया पीली मक्का 1270 से 1300, मीडियम मक्का 1250 से 1270, एवरेज माल 1200 से 1250 रुपये, 1200 से 1250, 300 बोरी आवक, बाजार समान के दो या 2-5 रुपये 10 रुपये ठीक के दो, क्योंकि 1300 पीली मक्का कल नहीं थी, आज 1300 से ऊपर भी दाम है। मूँगफली 5046 तक बढ़िया माल की आवक नहीं थी, एकदम बढ़िया G2 माल 5600 से 5100, बढ़िया चाइना टाइप जो माल है 4500 से 4700, एक डेढ़ 4600 बिका, एक डेढ़ 4700 बिका, एवरेज माल 41 से 44, मिट्टी वाले 4000 से 4400, 300 बोरी के आसपास आवक है, बाजार समान है, 100 बोरी सुबह आवक थी, 200 बोरी बाद में और आ चुकी थी। अश्वगंधा 32400 एक ढेर बिका, 32300 एक ढेर बिका, एक 24000 और कुछ ढेर बिका, बढ़िया मालों की आवक नहीं थी, 36 से 39000 वाली रेंज की, मीडियम माल जैसे टुकड़ी और ये टाइप के माल थे जो 30000 से 35000 के बीच बिके, एवरेज माल 19000 से 27000, 20 बोरी कुल मात्र आवक बनी और बाजार लगभग समान है, कोई विशेष तेजी मद्दी नहीं देखने को मिली है। पोस्ता दाना 1,22,500 रुपये ऊपर में बिका, 1,22,500, बाकी तीनों पाल माल वही 1,20,000 से 1,25,000, इस माल की आवक नहीं थी, एक ही ढेर था जो 1,22,500 बिका और एक 1,22,000 बिका, दो एक ढेर थे बस, बाकी सेमी तीनों पाल 1,16,000 से 1,20,000, बढ़िया गुलाब टाइप वाले माल थे 1,11,000 से 1,12,000 के बाजार, एवरेज गुलाब 1,09,000 से 1,11,000, रनिंग माल 1,06,000 से 1,09,000, 70 बोरी के आसपास आवक, बाजार को समानी समझा जाए, लेवाली ठीक थी, लेवाली अच्छी थी, आवक कमज़ोर थी और बढ़िया माल की आवक नहीं थी, कुल मिलाकर देखने को मिली। चना 1,45,000 से 1,65,000 कांट विशाल बिका, विशाल चना 4400 से 4500 के बीच के भाव, बढ़िया कांटा चना 4400 से 4450, और एवरेज माल 4300 से 4380, ऊपर में 4380 रुपये बिका कांटा चना, बढ़िया कांटे चने की आवक नहीं थी, एवरेज माल थे 4400 से 4480 तक बिके, चालू माल 4200 से 4400, डंकी 3900 से 4100 और ज़्यादा डंकी माल थे जो 3200 से 3600 बिके, 125 बोरी आवक थी, बाजार समान देखने को मिला है। रायडा 1,52,500 रुपये बिका, बाकी रंगत तो कुछ बता नहीं सकते दोस्तों, 1,25,51 बिका, 1,26,31 बिका, 26,31 दो लोड बिके, 10 बोरी के थे, और 1,25,51 बिका और 5200 बिका, चार लोट थे, चारों ढेर जो बिके वो मैंने आपको बता दिए, बाजार को समान समझा जाए, कोई विशेष तेजी मद्दी रायडे के अंतर्गत देखने को नहीं मिली, 25-30 बोरी के आसपास कुल आवक बनी है, ज़्यादा नहीं थी।
कांदा ऊपर में 26 तक बिका, बढ़िया माल वही 2400 से 2550 तक के बाजार, एवरेज मोटे माल 2100 से 2400, गोल्टे माल 1700 से 2100, नीचे की रेंज 500 वाली कोई रेंज थी नहीं, बाकी आप रंग मान लिया जाए 500 से 1500, 700 बोली आवक बाजार समान लगभग 1500 से 2500 तक की रेंज थी, आवके सीमित है, लिमिटेड आवक थी, किसान आंदोलन की वजह का असर मंडियों में भी देखने को आज मिला है। उड़द 1.5-6 हज़ार रुपये बिका ऊपर में उच्चतम मूल्य, बाकी भाव बढ़िया माल नहीं थे, 65-68 की रंगत है, मीडियम माल 58-63, एवरेज माल 52-56, चालू माल 43 से 5 हज़ार, 25 बोरी आवक बाजार समानी है, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं, तो कुल मिलाकर आवके थी नहीं, बहुत सीमित मात्रा में आवके थी, जो भी माल आया था वो जरूर बिका है, और 6 हज़ार रुपये उड़द ऊपर में बिका है। अजवाइन 14,201 रुपये, ग्रीन ओनालू माल ऊपर में बिका 14,201 रुपये, बाकी माल की आवके नहीं थी, रंगत 13,200 से 13,800 की बढ़िया, एक्स्ट्रा की बढ़िया की 12,300 से 13,000, 20 बोरी के आसपास आवक है दोस्तों, कोई भाव ऐसे पक्के नहीं। तो यह है आज का अपडेट, जय हिंद जय भारत।